और निर्जीव वस्तु के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं किसी को हमारे कारण चींटी को परेशानी न हो जाए। लेकिन हम ये बहुत दूर की बातें हैं, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। हम तो अपने परिवार तक का दुख और सुख नहीं समझ पाते हैं, हम तो अपने परिवार के शब्दों को विचारों को नहीं समझ पाते हैं, हम तो अपना तालमेल नहीं बना पाते हैं, बच्चे पिता के साथ तालमेल नहीं बनाते, पिता बच्चों के साथ तालमेल नहीं बनाते। इस प्रकार से घर गृहस्थी भी हिल गई है, परिवार भी हिल गए हैं। ये सारा कारण क्या हुआ? सारा कारण हम बाहर मुखी हो गए, ये इंद्रियां और दौड़ रही है। ध्यान के ऊपर बैठो, चाहे स्नान में चलो, चाहे कहीं भी, चाहे वाहन में हो, कहीं भी किसी स्थिति में भी हो, ये इंद्रियां बाहर की ओर खोल दी सब कुछ। अगर आप बैठे हैं, कान खुले हैं, ध्यान फोन के ऊपर है, ये क्या है? क्या ये ध्यान है? क्या ये परमात्मा का रास्ता है? क्या इसे परमात्मा मिल जाएंगे? क्या इसे साधना का लाभ हो जाएगा? क्या इससे सच्चे बादशाह की प्राप्ति हो जाएगी? क्या आपके हृदय में वो परमात्मा गुरु रूप में उतर करके आदेश करने लगेगा? नहीं हो सकता। जब आपका ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि सामने कितनी भी आवाज होती रहे, आसपास कितनी भी आवाज होती रहे, चारों तरफ फूले फैला दिए जाएं, कितने भी पुष्प बिखेर दिए जाएं, चाहे दुर्गंध फैला दी जाए, न नासिका को पता चले, न कानों को पता चले, आवाज अंदर तक न जाए, लेकिन हमारी तो साधना इस प्रकार की है। कोई छोटा बच्चा रोता है तो भाग करके, अगर बैठे भी हैं, हृदय को छू गई, टच कर गई, परमात्मा की आवाज नहीं छू पाई, गुरु की आवाज नहीं छू पाई, उन्होंने जो गीता के अंदर बोला वो नहीं छू पाया, वेदों के अंदर जो लिख दिया वो नहीं छू पाया, लेकिन ये चीज छू गई अंदर को। अगर वो चीज अंदर में घुस गई साधना के समय में, तो आप साधना नहीं कर सकते, न प्रेम कर सकते हैं, बस मोह के अंदर पड़ सकते हैं। और मोह का जो पास है वो आपको ऊपर से बांध करके यम पास की तरह से नीचे डाल देता है। यम पास केवल मात्र शरीर का नाश करता है, मोह का जो पास है वो लोक परलोक पर्यंत तक भी आपकी आत्मा को हिला देता है। एक बात याद रखना, आप जो भी शरीर से कर्म करोगे, जो भी शरीर से कर्म किए हैं, वो शरीर नहीं भोगेगा कि आप सोचो कि ये शरीर भोगेगा, नहीं, ये नष्ट हो जाएगा। दोबारा से जन्म लोगे तो फिर दोबारा दूसरा शरीर होगा, लेकिन आत्मा यही होगी जो आपके अंदर है, ये बदली नहीं हो सकती। शरीर बदलते रहेंगे वस्त्रों की तरह से, लेकिन आत्मा को भोग भोगना पड़ेगा, आत्मा को चक्कर काटना पड़ेगा, आत्मा को झेलना पड़ेगा। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है, न सुखी हो सकती है, न दुखी हो सकती, लेकिन फिर भी सृष्टि चक्र में इसको ही घूमना पड़ेगा, और यही घूमेगी, और आपके शरीर बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, समाप्त होते रहेंगे। आयु अलग अलग होती है शरीरों की, लेकिन जब हम इस शरीर से वो कर्म करेंगे साधना का, शरीर से वो कर्म करेंगे परमात्मा की प्राप्ति का, शरीर से वो कर्म करेंगे आत्म ज्ञान के रास्ते पर चलने का, शरीर से वो प्रयत्न करेंगे कि परमात्मा को किस प्रकार से खोजा जाए, परमात्मा का रास्ता क्या है, ज्ञान का क्या रास्ता है, सत्य का क्या मार्ग है, धर्म का क्या मार्ग है, जब हम इस शरीर से खोज करेंगे, शरीर को नेक कर्मों के अंदर लगाएंगे, शरीर से मदद करेंगे, शरीर से प्रेम करेंगे, इस संसार से एक दूसरे के जितने भी दुखी लोग हैं प्रयास करेंगे संसार के अंदर कोई जीव दुखी न रहे, किसी प्रकार से भी हमारे सहायता हो, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से मदद हो सके, जितने हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार हो सके, तो आप जो पाएंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता।
चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर लो यही रह जाएगा, कितना भी संचय कर लो यही छोड़ के जाना पड़ेगा। हमने देखा है शमशानों के अंदर, कुछ लोगों ने देखा होगा जा करके, जब चिता के ऊपर लेटा दिया जाता है बोलते इसके वस्त्र फाड़ दो, नहीं तो ये लेट हो जाएगा जलने में, इसका शरीर से चिपक जाएंगे और दिक्कत आएगी, इसको फाड़ दो, ये सूती वस्त्र नहीं है रेशमी वस्त्र है। जब ये तक उखाड़ दिए जाते हैं कि सोने का छोटी सी वस्तु तक भी किए उतार लो कि ये साथ में ही जलेगा, इसका क्या बनेगा? आप किसके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, किसके लिए अपनी जिंदगी के ये अनमोल सांस जिनके कारण से ये शरीर चल रहा है, क्यों आप इस सांस के रहस्य को नहीं समझना चाहते? जब आपको इस सांस का रहस्य मालूम हो जाएगा, जितने भी लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं, हर टाइम डिप्रेशन के दौरे आते रहते हैं, शरीर में रोग पैदा होते रहते हैं, कुछ लोग साधारण लोग जो होते हैं वो समझते हैं केवल शरीर ही बीमार हो सकता है, बुखार हो सकता है, रोग हो सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, साइंस में भी मात्र शरीर के रोगों का इलाज है, लेकिन जो मन के अंदर विचार पैदा होते हैं मन रोगी होता है, उसका इलाज नहीं है। आपके अंदर एक विचार पैदा हुआ कि हॉस्पिटल तो बने हुए हैं मनोरोगों के, डॉक्टर दवाइयां तो देते हैं, फिर इलाज क्यों नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं? वो केवल मात्र दिमाग को रहने के लिए है, इलाज के लिए नहीं है। 2 घंटे सुला दिया, 4 घंटे सुला दिया, 1 दिन सुला दिया, लेकिन रिकवरी जो होती है वो दिमाग खुद करता है, मन खुद करता है। ये गड़बड़ कहाँ से हुई, क्या कारण हुआ कि जो हमारे 50 साल पहले के जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनको ये रोग क्यों नहीं होता था, अब क्यों हुआ? उनका खाना भी अलग तरह का था, उनका रूटीन भी अलग तरह का था, उनका जीवन भी अलग तरह का था, और उनके सांसों का जो विज्ञान था वो तब तक इतना अनबैलेंस नहीं हुआ था जितना आज हो चुका है। उस समय साधना शरीर से मेहनत करते थे और जो सांस का जो बैलेंस था वो अंदर तक जाता रहता था और वो नेचुरल रूप से बना रहता था, टूटता नहीं था, लेकिन अब वो बैलेंस खराब हो चुका है और टूट चुका है। उस बैलेंस को से टूटने के कारण से ये मनोरोग से लेकर के शारीरिक रोग तक अनेकों रोग होने लगे और शरीरों को हिला करके रख दिया। छोटे छोटे बच्चे, 12-15 साल तक के बच्चे बच्चियां मैं देखता हूँ डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं।